शाहबाद में पिछले दिनों आर्मी की भर्ती रद्द होने के चलते युवाओं ने खासा रोष जाहिर किया। शाहबाद से पैदल रनिंग करते हुए युवा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को ज्ञापन सौंपने के लिए निकल पड़े। पिछले दिनों सरकार द्वारा प्रस्तावित फौज की भर्ती रद्द होने के कारण सैकड़ों युवा इस प्रकार से खफा नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले इन युवाओं ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस भर्ती को दोबारा शुरू कराने की मांग रखी थी और उस पर कार्रवाई होते न देख युवाओं ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को ज्ञापन सौंपने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि वह शाहबाद से अम्बाला पैदल दौड़ कर जाएंगे और अनिल विज को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इसके बाद भी उनकी बात पर संज्ञान नहीं लिया गया तो वह शाहबाद में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आज हमने 23 तारीख को हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था कुरुक्षेत्र, तो वहाँ पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हुआ है। नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। 23 फरवरी से 28 फरवरी तक जो 7 जिलों की भर्ती होने वाली थी उसको बिल्कुल रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस का झांसा देकर उसको बिल्कुल रद्द कर दिया गया है। और आज अम्बाड़ा कूच है, 20 किलोमीटर रनिंग करेंगे और अनिल विज साहब को वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे कि भर्ती को रद्द क्यों किया गया है, नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। शाहबाद से लेकर अम्बाड़ा तक का कूच होगा 20 किलोमीटर का और पैदल रनिंग करेंगे। रनिंग करते करते अनिल विज साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और वहाँ पर बहुत से नौजवान लड़के हमारी अभी बाट देख रहे हैं। 11 बजे का हमने टाइम रखा है और कल पूरे शाहबाद में इसका प्रदर्शन होगा। अगर वहाँ बात भी नहीं बनी तो शाहबाद इस चीज़ का प्रदर्शन होगा कि भर्ती को रद्द क्यों किया गया। हम कृष्ण बेदी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे इस चीज़ का, जो आजकल के 8 घंटे तैयारी कर रहे हैं अपने स्टेडियम में, तो इनकी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। मंत्रियों को हम किसी का घेरावा नहीं करेंगे, हम अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। हमारी जो मांग है हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। जो हमारी मांग है भर्ती को रद्द क्यों किया गया, हम ये चाहते हैं कि भर्ती को दोबारा मार्च में कराया जाए, तो हम अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो कल हमारा 10 बजे का प्रदर्शन होगा, पूरे शाहबाद में प्रदर्शन होगा इस चीज का और भर्ती को हम पूरी उम्मीद के साथ वापस कराने का पूरा दम लेंगे इसको। खबरनामा हरियाणा के लिए शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।